welcome back to my channel. मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ. अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे. और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप भी आप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा. एंड ये सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं. मैं अपना प्रोग्राम्स में बहुत सारे क्वेरी ऐसे पाती हूँ कि जो लोग टेंथ पास है या फिर टेंथ पास के थोड़ा नीचे है, एट पास है, क्या इन लोगों के लिए कोई ओपनिंग है एविएशन इंडस्ट्री में? आंसर इज यस, आपके लिए भी ओपनिंग है. इसी विषय में मैं आपको बात करना चाह रही हूँ एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जहाँ पे एट पास से ग्रेजुएट लेवल तक सारा अच्छा अच्छा पोस्ट है, जिस पोस्ट के थ्रू आप एयरपोर्ट में डिफरेंट पोस्ट में काम कर सकते हैं. कंपनी का नाम है लायन सर्विस लिमिटेड. आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि एविएशन में ज्वाइन करना है इसका मतलब जनरली आप लोग समझते हैं कि कोई ना कोई एयरलाइंस में काम करने से ही आप लोग एयरपोर्ट में काम कर सकते हैं या एयरपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बट बात ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर आर सो मेनी कंपनीज जो एविएशन सेक्टर में काम करता है, जीएमआर के अंडर में काम करते हैं. जीएमआर आप जानते हैं कि जैसे हमारा जो दिल्ली एयरपोर्ट अलॉन्ग विद सम अदर सम ऑफ द एयरपोर्ट, बिग बिग एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया जो जीएमआर से कंट्रोल होता है, आई मीन जीएमआर द ऑथोराइजिंग बॉडी ऑफ दैट. सो ये जो लायन सर्विस लिमिटेड कंपनी है ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था. फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम दे आर डूइंग सक्सेसफुली वेल, एंड यही पे सक्सेसफुली दे आर ऑपरेटिंग, दे आर फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिलता है एयरपोर्ट में काम करने के लिए. एयरपोर्ट छोड़ के भी बहुत सारी कंपनीज है जो इन लोगों का क्लाइंट है, बट हमारा कंसर्न एयरपोर्ट है. क्योंकि आप जो भी ये वीडियो देखते हैं, आपको एक आपका एक ड्रीम होता है कि हम एयरपोर्ट में नौकरी करें. डिफरेंट क्वालिफिकेशन है आपका, कोई एट पास है, टेंथ पास है, ट्वेल्थ है, ग्रेजुएट है. एट द सेम टाइम इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी डिफरेंट वेरिएशन है, किसी को बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, किसी को कम आता है. तो मेरा कंसर्न ये है कि सबके लिए जो जो जिस पोस्ट में है, उस जिस पोजिशन में है, उसी में आपको एक करियर का ऑप्शन दिया जाए कि आप एयरपोर्ट ज्वाइन कर सकते. सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं. इस कंपनी जनरली एयरपोर्ट क्लीनिंग के साथ रिलेटेड है, एंड इसके साथ साथ ये कुछ पोस्ट होता है इनका ऑपरेटिव बोल के, जिसका काम क्या है, जैसे एयरक्राफ्ट आता है जहाँ पे आप देखते हैं कि पैसेंजर्स का जो बोर्डिंग अनबोर्डिंग होता है, उसी एरिया में जब भी एयरक्राफ्ट आता है बहुत सारा धूल उड़ा के आता है, तो उस एरिया को साफ करने के लिए फटाफट एक टीम रहता है जो इस एरिया को साफ कर देता है. एंड एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर जाके कुछ मतलब क्लीनिंग वगैरह देना, कोई स्प्रे वगैरह करना, कोई ये सब सारे काम करते हैं, तो इनका बहुत सारा काम रहता है. दे आर कॉल्ड ऑपरेटिव. एट द सेम टाइम इनमें भी एचआर है. इस कंपनी में एचआर लेवल के पोस्ट होता है. इस कंपनीज में भी मैनेजर्स होता है. इस कंपनी में भी ड्यूटी ऑफिसर होता है. इस कंपनी में भी आपका सुपरवाइजर्स होता है. ये सारे पोस्ट के लिए आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं. अगर आप 8 to 10 पास है तो इसके लिए आप एयरपोर्ट क्लीनिंग, एयरपोर्ट क्लीनिंग मतलब ओनली नॉट ओनली हाउस कीपिंग, जैसे मान लीजिए जो बड़ा बड़ा जो ग्लास एरियाज है, या फिर जो गार्डन एरिया है, या फिर एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के अंदर जो साफ सफाई होता है लॉबीज वगैरह में, इनमें से सारे मशीन्स के थ्रू ये लोग काम करते हैं. तो वहीं पे अगर आप 8 पास है तो उसमें आपका एक ऑप्शन है, आप कर सकते हैं. मैं सारा डिटेल्स आपको इसमें दे दूंगी. जो ग्रेजुएट्स है वो सुपरवाइजर बन सकते हैं. बैगेज डिपार्टमेंट में काफ़ी काम होता है. इस कंपनी के अंदर बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट है एयरपोर्ट में. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो CV है info@lionservice.com इसमें डाल देना है. info@lionservice.com info@lionservice.com इसमें अपना CV डाल दीजिए. और डिटेल्स इस कंपनी के बारे में जानना है तो आप lionservice.com इस वेबसाइट में जाइए, तो आपको और डिटेल्स यहीं पे मिल जाएगा. सबसे बड़ी जो बात है कि
मान लीजिए आपने लायन सर्विसेज के साथ, क्योंकि मेरा बहुत सारे स्टूडेंट लायन सर्विसेज में काम करते हैं एंड उसके लायन सर्विसेज के साथ अपना करियर शुरू करके बाद में वो लोग डिफरेंट जगह में शिफ्ट हो गए थे। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा था कि जिसका 10th पास था उसी टाइम में जब लायन सर्विस ज्वाइन किए थे, बट इन्होंने अपना 12th पास डिस्टेंस एजुकेशन में करके 12th पास होने के बाद तो CSA रिटेल सेक्टर एंड अदर सेक्टर में जा सकते हैं। सो यू कैन स्टार्ट अ गुड करियर एंड अगर आप लायन सर्विसेज के साथ ही रहना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा मतलब इनका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। जो ऑपरेटिव है उनको करीब करीब 14,000 to 15,000 सैलरी मिलता है एंड उसके साथ साथ अदर फैसिलिटीज भी मिलता है। सो इट वुड बी अ वेरी बिग वेरी गुड ऑप्शन जो 10th है 8th है एंड उसके साथ साथ जो ग्रेजुएट है दे कैन अप्लाई फॉर द सुपरवाइजर पोस्ट। सुपरवाइजर भी एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है, ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। सो आज मैं यही इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आई थी। मैं आपको आपके लिए जो कार्गो वाला वीडियो बना रही हूँ बहुत जल्द वो आएगा, क्योंकि उसमें मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेना है, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट मैं बहुत जल्द उसको मैं आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बोलूँगी कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अच्छे से इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करिए ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटीज आए आप उसको ग्रैब कर सकते। इस चैनल में जो पुराना वीडियोस है उसमें इंटरव्यू रिलेटेड सारे कुछ इन्फॉर्मेशंस है, उसको देखते रहिए, खुद को तैयार करते रहिए। तो चलिए दिस इज इनफ फॉर टुडे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर आपको पूछना है या कुछ चीज़ जानना है तो आप मेरे ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। माई ईमेल एड्रेस इज capt.satabdi@gmail.com। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आ रही हूँ नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।